Bispilar Rahman Rahim students. My name is Rahman and I'm teaching your biology. Students, this session is basically continuity of the previous session that was air pollution. This session we discussed about the greenhouse effect and the acid rains. The detail would we'll predict. Alright, students. So the main topic session it will be about greenhouse effect. ऑल राइट ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टूडेंट्स एक समझने वाली चीज है थोड़ा सा आप प्रीवियस सेशन को रिवाइज करें तो पोल्यूशन यानी आलूदगी और उस आलूदगी में से बहुत सारी ऐसी गैसेस जिन्होंने जाके ओजोन को खराब किया और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक शिगाफ बनता चला गया अब उसकी वजह से कुछ ऐसी यूवी रेडिएशंस और सोलर रेडिएशंस जिनको ओजोन जजब कर लेती है वो भी जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो गई इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रेडिएशन जमीन तक आती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें जमीन के ऊपर दर्जा हरारत बढ़ता हुआ फील होना शुरू हो गया अब इस चीज़ के पीछे जो मैकेनिज्म चल रहा है उसको हम कहते हैं दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल राइट स्टूडेंट्स अब अगर आप बड़े पैमाने पे, पे थोड़ा सा सोचें और इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि आपके बचपन से लेके अभी तक मौसम में बहुत सारी ऐसी नाखुशगवार तब्दीलियां आई हैं कि जिसकी वजह से जो हमारा मॉडरेट इन्वायरमेंट बना होता है उसमें भी कुछ ऐसी फ्लक्चुएशंस हैं कि जो बाजुकात हमें बहुत नागवार गुजर रही होती हैं जैसे कि गर्मियों का दौरानिया लंबा ही होता चला जा रहा है दर्जा हरारत बढ़ता ही चला जा रहा है इसी तरह बहुत सारी ऐसी जगह जो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा जरखेज़ हुआ करती थी डिफॉरेस्टेशन वगैरह का शिकार होती चली जा रही हैं अगर हम आर्टिक और एंट आर्टिक पोल्स वगैरह की बात करें तो वहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलते हुए हमें नजर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सब तब्दीलियां असल में किस वजह से आ रही हैं ड्यू टू द पोल्यूशन और पोल्यूशन के बैक एंड पे क्या मौजूद है इंक्रीज इन अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन राइट तो ये वाली सब चीजें इन पर गौर करें और इसके साथ ही साथ हम अभी जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द ग्रीन हाउस तो सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस होता क्या है वट इज अ ग्रीन हाउस ऑल राइट ग्रीन हाउस बुनियादी तौर पर एक बाउंड कंट्रोल्ड टेरिटरी को हम कह सकते हैं कि इस तरह का कोई शीशे की दीवारों और शीशे की छत से बना हुआ एक छोटी सी लोकेलिटी या छोटी सी टेरिटरी डेवलप की जाए कि जहां पे बुनियादी तौर पे मकसद क्या होता है कि इस तरह के पौधे जो बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट में एट लो टेम्परेचर सही तरीके से ग्रो नहीं कर रहे या बाज उनको इंजेक्शन दे के आर्टिफिशियल राइपनिंग की तरफ लेके जाना पड़ता है उनको हम इस ग्रीन हाउस के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकें और उस इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से इन पौधों की ग्रोथ बेहतर हो सके ऑलराइट तो बुनियादी तौर पर यह एक कार आमद्रेटेजी है लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमें यह पता चलता है कि इसके पीछे चल क्या रहा है मैकेनिज्म क्या हो रहा है इसके अंदर तो अब समझिएगा इसको सूरज से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मजमु जमीन तक पहुंचता है अब जमीन तक पहुंचने से पहले आपको पता है एक तो बीच में कुदरती बैरियर मौजूद है इज द ओजोन ओजोन ने क्या करना होता है यूवीज वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेना है और स्पेस में वापस भेज देना होता है इस वजह से हम बचे हुए हैं बहुत सारी बीमारियों से लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी जो कि हमारी वाइट लाइट जिसको हम कहते हैं जिसमें हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम मौजूद होगा जब वो तमाम वेवलैंड इस ग्लास शीट को क्रॉस करते हुए पौधों तक पहुंचेंगी तो रोशनी तो आराम से गुजर सकती है यहां से लेकिन पौधे क्या करते हैं कुछ वेवलैंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ को रीएमिट कर देते हैं री रेडिएट कर देते हैं अब यहां पे जो शॉर्ट वेव आय वगैरह रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी उसकी वजह से क्या होगा ग्रीन हाउस के अंदर दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है क्योंकि आपको इस चीज का तो अंदाजा होना चाहिए कि ये ग्रीन हाउस बना किस चीज का है शीशे का एंड ग्लास इज एन इंसुलेटर फॉर द हीट ये बाहर नहीं जाने दे रहा उस आयर रेडिएशन वगैरह को तो इसका मतलब है कि अंदर का दर्जा हरारत बढ़ता ही चला जा रहा है तो बुनियादी तौर पर टेंपरेचर इंक्रीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्पन वगैरह बढ़ती है और पौधों की ग्रोथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है लेकिन अगर हम गौर करें कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है एनवायरमेंट में तो यहां पे एक बात मैं आपको बताता चलूं बुनियादी तौर पे ग्रीन हाउस इफेक्ट करें कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होने की वजह से ये जो रेडिएशंस आ रही हैं समंदर के पानियों को गर्म कर रही हैं या जमीन की सतह को गर्म कर रही हैं या इसी तरह हमारे इर्द गिर्द के एन्वायरमेंट के अंदर जो हीट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर चाहिए होता है उसको मेनटेन करके रखा हुआ है इन्होंने अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो फिर हम बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चले जाते इवन के अप टू माइनस एटीन डिग्री तक जमीन का दर्जा हरारत चला जाता इसका मतलब यह है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो एक अच्छी चीज लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसानी आबादी में इजाफा होता चला गया और उस इजाफे के साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स बने कि जिसकी वजह से हमने कुछ ऐसे फ्यूम्स ऐसी गैसेस डेवलप कर ली जिनको हम कहते हैं कि दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस ऑल तो अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या चीज है इसको हम यहां पर लिख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस The combination of different gases like carbon dioxide, methane, and even the water vapors, all right, that does not allow.

इसी तरह हमारे बहुत सारे ऐसे पोल्यूट गैसेज वगैरह के सोर्सेज हैं जैसे हमारी व्हीकल्स हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह जो इस तरह की नुकसानदेह गैसेज प्रोड्यूस कर रही हैं कि वो सब की सब ऊपर जाके ओजोन के नीचे एक ब्लैंकेट बना के बैठ चुकी हुई हैं अब स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि जब रेडिएशन रीएमिट होती हैं या री रेडिएट होती हैं प्लांट्स से तो वो वापस कहाँ पे जाती हैं ऊपर की तरफ स्पेस की तरफ जाने की कोशिश करती हैं जब वो ऊपर एटमोस्फियर में पहुंचती हैं तो वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस का एक ब्लैंकेट बना हुआ है और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं उन रेडिएशन को अपने अंदर कर लेते हैं हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा उनको रिलीज कर देते हैं अब रिलीज करना इट इज एन अनडायरेक्शनल प्रोसेस हो सकता है कि वो ऊपर स्पेस की तरफ चली जाए हो सकता है कि वो साइड्स पे चली जाए और एन मुमकिन है कि वो रेडिएशन दोबारा जमीन की सतह की तरफ आ जाए जो रेडिएशन ऊपर चली गई उनका तो कोई मसला नहीं है जो साइड्स पे जाती हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स फिर उनको एब्जॉर्ब करते हैं और वापस उसको जमीन की तरफ भेज देते हैं और जो डायरेक्ट जमीन की तरफ आ रही हैं उनका काम क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा करवाते चले जाना और जमीन का जब ओवरऑल पूरे ग्लोब का दर्जा हरारत इक्वली इंक्रीज करेगा तो इस फिनन को हम कहते हैं दिस इज ग्लोबल वार्मिंग So, global warming. Simply, if we want to write, overall increase in temperature around the biosphere. This is known as global warming. All right, students. अब फिर इसके साथ ही साथ हमें वजूहत का भी पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट असल में आ क्यों रहा है और राइट यह भी समझ लीजिएगा लीजिएगाजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट राइट स्टूडेंट क्या क्या वजूहत पॉसिबल हैं द फर्स्ट वन Over urbanization, all right, deforestation and industrialization, and number four, the ultimate. जुलेशन और इन तमाम वजूहात को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि बुनियादी तौर पर इंसानी आबादी में बेतहाशा जो इजाफा हुआ है ये ही इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आबादी में इजाफा हुआ लोग देही जिंदगी छोड़ के शहरी जिंदगी की जाने मूव होना शुरू हो गए फिर साथ ही एग्रीकल्चर छोड़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ गए और इस सब के अंदर इस हजूम को क्रिएट करने के साथ साथ अपनी फैसिलिटीज के लिए जो इंडस्ट्रीज बनाई वहां पे भी फॉसिल फ्यूल जलाना शुरू हो गए जो व्हीकल्स तैयार किए वहां पे भी फॉसिल फ्यूल चलाना शुरू हो गए तो इसकी वजह से क्या हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होते हुए एटमोसफियर में एक पूरे ब्लैंकेट की शक्ल इख्तियार कर चुकी हुई है अब इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमें जो काम नजर आ रहा है वो ये है कि सारी की सारी जमीन के ऊपर आहिस्ता 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 दर्जा हरारत में इजाफा होता चला जा रहा है और उसकी वजह से जो क्लाइमेट कंडीशन है हमारे इर्द गिर्द जो मौसमियाती हालात हैं उनमें अजीबो गरीब किस्म के तगैर हमें नज़र आते हैं इस तरह की तब्दीलियां जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की हुई कि कई कई साल तक खुदा ना खास्ता बरसात नहीं हो रही बारिशें नहीं हो रही और अगर होने पर आए तो कई कई दिनों तक इसी तरह मुसलसल चलती रहें तो ये सब चीज़ें हमें इस बात का पता बताती हैं कि कहीं तो कोई गड़बड़ है देर इज समिंग देर इज मेकिंग एवरीथिंग रॉन्ग एंड देर आर द ह्यूमन एक्टिविटीज और इन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से यह सारे का सारा काम जो है अल्टीमेटली खराबी की तरफ चलता चला जा रहा है कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर हम लिखना चाहें आपको याद होना चाहिए पहली बात Overall, increase in temperature, all right. Change in climate, or we can say drastic change in climate, all right. Melting. छोटी छोटी तब्दीलियां लग रही है लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको पीने का पानी भी अब खरीदना पड़ता है इसका मतलब क्या है कि पानी में कहीं ना कहीं खराबी आ चुकी हुई है इसी तरह आपका वो एटमोसफियर वो हवा जिसे हम खुशगवार समझते हैं बारिश होने के बाद असल में वो जो खुशगवार एहसास है वो तो अल्लाह ताला ने पहले से बना के दिया हुआ था खराब तो ह्यूमन एक्टिविटीज ने खुद किया हुआ है तो इन सब चीज़ों पर गौर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अब हम ऐसे रिसोर्स अपनाने की तरफ जाए कि जहां पर हमें पता चले कि फॉसिल फ्यूल्स कम से कम इस्तेमाल हो रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम एमिट होती हैं और तो और इस तरह की रेडिएशंस वगैरह के जो जमीन के लिए अच्छी हैं वो जमीन तक पहुंचे लेकिन जो खराब हैं उसके लिए ओजोन को रीबिल्ड करने की कोशिश की जाए सी एफ सीज वगैरह से छुटकारा हासिल किया जाए ऑल राइट स्टूडेंट फिर इसी के साथ जो सब्सिक्वेंट पार्ट है दैट इज अबाउट द से यह चीज तो नजर आ रही है आपको कि एसिड रेन का मतलब क्या है कि तेजाबी बारिश अब तेजाबी बारिश देखने में तो एक बड़ी सिंपल सी चीज नजर आ रही है लेकिन इसके पीछे आपका एक पूरा साइक्लिक मैकेनिज्म चल रहा है स्टूडेंट्स उस साइक्लिक मैकेनिज्म को अगर हम लिखना चाहें आसान तरीन अल्फाज में तो हमें पता चलता है कि ड्यू टू द कंबेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इन ऑक्साइड्स को अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो सकता है ऑलराइट इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड एंड व्हेन दे कंबाइन विद द वाटर दे मेक अप नाइट्रिक एसिड ओ नाइट्रस एसिड इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड ऑलराइट और ये सारे का सारा रिएक्शन हो कहां पर रहा है आपके पास जब बारिश होगी क्योंकि रेन की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि water, नहीं अगर हम पहले नंबर पर बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तो इसको जरा गौर से समझिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती कहां पे है पहले तो आपके जेहन में ये आना चाहिए हमारे पास जो बहुत सारे पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन हैं, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंबशन का प्रोसेस करते हैं लेकिन आपको यह भी याद होना चाहिए कि वहां पे अबंडेंटली कौन मौजूद है हवा में इज नाइट्रोजन तो उस कंबशन प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो रही है हवा में जब वो हवा के अंदर आ रही है तो यहां पे क्या किया जाता है अपर एटमोसफियर में जाते हुए पता चलता है कि सोलर रेडिएशन से ही एनर्जी लेते हुए इट इज नाइट्रिक एसिड और पानी के साथ कंबाइन करके ये बन जाता है नाइट्रिक एसिड अब ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड बना है जब खुदा प्रेसिपिटेशन किसी भी सूरत में वो सिंपल ड्रॉपलेट्स की शक्ल में या स्नो की शक्ल में या फॉग की शक्ल में जब भी जमीन की तरफ आएगा पानी तो अब वो खाली पानी नहीं होगा बल्कि तेजाब बन चुका होगा ऑलराइट राइट फिर इसी तरह जो दूसरी चीज हमें नजर आ रही है, है सल्फर डाइऑक्साइड अब जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको भी समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स कि बुनियादी तौर पे ये सल्फर आ कहां से रहा है ये सल्फर मौजूद कहां पे है हमारी बॉडीज के अंदर प्लांट्स की बॉडीज के अंदर और फिर जब इसी तरह जो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स थे जब उनकी डेथ हुई तो उनकी डेथ के बाद डीकंपोजिशन के बाद दे हैव बीन इनटू फॉसिल फ्यूल्स और उन फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है तो वहां से भी एमिट हो रही है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड ये सल्फर डाइऑक्साइड अगेन सोलर रेडिएशन से एनर्जी लेती है और कन्वर्ट हो जाती है इनटू टू एस ओ थ्री फिर इसको जब कंबाइन किया जाएगा विद वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर इट विल बिकम अब ये जो एसिड बना है इट विल कम बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ दैट वेरी डेंजरस एसिड राइट अब ये जो तेजाब जमीन की तरफ वापस आते हैं अब स्टूडेंट्स ये बात समझ लीजिएगा कि हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तो हर वक्त मौजूद है अब कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूद होने की वजह से अगर हम यूं कहें कि द रेन इज ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक तो यह बात भी किसी हद तक दुरुस्त है कि हमारे पास जब भी बारिश होती है तो ऑलमोस्ट उसकी पी एच सिक्स तो है लेकिन जैसे जैसे इन एसिड्स का कम्बिनेशन उस बारिश के पानी में मिलता चला जाएगा तो पी एच रिड्यूस होके हो जाती है अप टू थ्री अब आपके जहन में यह सवाल आना चाहिए कि इस लिहाज से तेजाबियत में कितना इजाफा हुआ तो यह बात गौर तलब है स्टूडेंट्स कि जो फिगर्स में हमें सिर्फ तीन डिजिट्स का डिफरेंस नजर आ रहा है असल में यह बारिश हजार गुना ज्यादा तेजाबी हो चुकी है अब इस तेजाबियत को लेके जब यह वापस जमीन की तरफ आते हैं तो ह्यूमंस के अंदर कॉज कर सकते हैं हमारे जो मवेशी वगैरह होते हैं उनमें बीमारियां फैल सकती हैं हमारी खड़ी फसलें खराब हो सकती हैं और तो और वो मिनरल्स वगैरह जो सॉइल के अंदर मौजूद हैं लाइक कैल्शियम एंड पोटेशियम मैग्नीशियम वगैरह उनको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है अगर हम गौर करें कि ये जो मिनरल्स वगैरह सॉइल के अंदर मौजूद हैं जब एसिड के प्रोटॉन जमीन में जाते हैं तो वो भी इनको सॉइल की बजाय निचली लेयर सब सॉइल वगैरह में पुश कर देते हैं जिसकी वजह से जो एनरिच्ड सॉयल होती है उसमें इन मिनरल्स वगैरह की कमी होना शुरू हो जाती है तो ये इन एसिड रेन के नुकसान हैं अब अगर हम पूरे साइकिल पे गौर करना चाहें तो ये कभी नहीं होता कि जिस जगह से फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए या जिस जगह से ये ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हुई वो उसी जगह पे दोबारा एसिड रेन होगी क्योंकि हवा का तो अपना साइकिल चल रहा है ये भी पॉसिबल है कि एक जगह से कहीं से ये गैसेस प्रोड्यूस हुई और प्रोड्यूस होने के बाद वो जाके कंडेंस्ड वाटर के साथ किसी कई सौ किलोमीटर दूर फासला तय करने के बाद जाके उसके साथ कंबाइन हो गई तो असल में सोर्स किसी एक जगह पे होगा और बारिश किसी दूसरी जगह पे पॉसिबल है और अगर कोई ऐसी जगह है कि जहां पे पहले ही बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज वगैरह हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एसिडिक फ्यूम्स आपको हर वक्त फील होते रहते हैं जैसे ही प्रेसिपिटेशन होगी किसी भी फॉर्म में तो वो एसिड दोबारा जमीन की तरफ आ जाएगा ऑलराइट स्टूडेंट्स तो ये तमाम नुकसान आपने अपने जहन में रखने हैं और इसकी वजह से इस चीज पे भी गौर करना है कि हम इन चीजों में किस तरह से कमी ला सकते हैं ऑलराइट स्टूडेंट्स देन एट द एंड एक टेबल आपकी जो कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में इसका जिक्र किया गया है कि एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या हैं वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज की गई है दैट इज अबाउट द ताजमहल और वहां पे एक लफ्ज लिखा गया है दैट इज स्टोन कैंसर ऑलराइट स्टूडेंट्स तो ये बात भी गौरतलब है कि बुनियादी तौर पर यह मार्बल वगैरह जो होते हैं इनके ऊपर भी एसिड्स के हमेशा क्रोसिव इफेक्ट्स होते हैं और उन करोसिफ इफेक्ट्स की वजह से जो हमारे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वग़ैरह हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगहें जहां पे ऐसे ड्रेनस की वजह से बहुत सारे नुकसान हो चुके हुए हैं और तो और जो खड़े जंगलात हैं अगर वहां पर ऐसे रेन होती है तो बहुत ज़्यादा दरख्तों की तबाही हो जाती है बहुत ज़्यादा पौधे ख़राब हो जाते हैं और ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए फ़िट नहीं रहती तो इन सब चीज़ों पे स्टूडेंट्स ख़ुद भी गौर करें दूसरों को भी ये अवेयरनेस दें ताकि हम इस माहौल को दोबारा से स्टैंडर्ड्स की तरफ लेके आ सकें ताकि हम खुशगवार माहौल में जिंदा रह सकें राइट right, स्टूडेंट्स आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं